नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। मैं रूपी सूरज। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ कप्तान ऑफिस पर, जहां नफीस खान के व्यक्ति को बार बार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने 15 अगस्त के समय झंडा फहराने को लेकर के लोगों ने झंडा फहराने से मना किया था, इसी बात को लेकर के उनके साथ मारपीट की गई। इसी को लेकर नफीस खान ने 3 व्यक्तियों के नाम जद FIR थाना सिविल लाइन में दर्ज कराई थी। अब वह मुकदमा वापस लेने को दबाव दे रहे हैं। आज कप्तान ऑफिस पर प्रार्थना देकर उन्होंने कप्तान से न्याय की गुहार लगाई है। आइए जानकारी करते हैं किस तरह का मामला, देखते रहिए क्रांतिकारी खबर के साथ विस्तार से। रूप सुर राजपूत, क्या मामला नफीस साहब, आप जो कप्तान साहब से मिले हैं? मैं कप्तान साहब से इस माना मिला था, एक मसला था, मैंने एक मुकदमा पंजीकरण कराया था थाना सिविल लाइन में 3 जनों के खिलाफ। अब उसमें मेरे ऊपर लोग दबाव डाल रहे हैं, तीनों के तीनों, कहीं या तो अपना मुकदमा वापस ले लो या आपकी जान का खतरा हो जाएगा। बार बार ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मुकदमा किसके खिलाफ कराया था? ये आमिर के खिलाफ कराया था, सहनाज के खिलाफ कराया था, इकबाल के खिलाफ कराया था मैंने। आज जो मैंने मुकदमा जो पंजीकरण करा दिया इनके खिलाफ, अब ये लोग मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं बार बार, कहीं सब मुकदमे को वापस ले लो नहीं तो आपकी जान का खतरा हो जाएगा। कप्तान साहब ने क्या, कप्तान साहब ने ये कह दिया मुकदमा वापस मत लो, बाद बाकी हम देख लेंगे।